हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको सोनी का WF-C500 जो है वो ईयरबड्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो सोनी ने रिसेंटली ही इंडिया में लॉन्च किया है, अनवील किया है। और इसका सेल जो है वो 17 जनवरी से इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। इसको ऑफिशियल स्टोर्स और ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। सो गाइज, ये जो ईयरबड्स है जो सोनी ने लाए हैं, ये इसका प्राइस जो है वो मुझे जो वो सही लगा है। सोनी का ब्रांड जो है वो ब्रांड वैल्यू वगैरह काफ़ी अच्छा है, बट स्पेक्स देखा जाए तो वो प्रॉमिसिंग नहीं लगे हैं। स्पेक्स जो है वो काफ़ी बेहतरीन जो है वो नहीं है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि इसको परचेस करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कमियाँ हैं इसमें, और इससे बेटर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं इंडिया में इसी प्राइस सेगमेंट में। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, यहां पे जो सोनी का WF-C500 है, इसमें आपको क्या कुछ मिलता है, पहले वो स्पेक्स बता देते हैं। तो यहां पे आपको जो है वो इसमें आपको जो है वो एक डिजिटल साउंड इन्हेंसमेंट इंजन मिलता है, DSEE से प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें आपको हाई क्वालिटी ऑडियो मिलता है। और इसका जो ऐप सपोर्टेड जो दिया जाएगा ऐप, उसके थ्रू आप जो वो इक्वलाइजर सेटिंग मिलता है, जिससे आप इसके साउंड को जो इक्वलाइज वगैरह कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे आपको 5.8 mm डायनेमिक नैनोडियम ऑडियो ड्राइवर मिलते हैं। यहाँ पे आपको इन ईयर डिज़ाइन मिलता है, सिलेंड्रिकल चार्जिंग केस इसका मिल जाता है, 4 कलर ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं, 10 आवर का बैकअप मिलेगा सिंगल चार्ज पे, और विद केस 20 आवर का बैकअप मिलेगा। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट चार्ज करने पे 1 आवर का प्लेबैक टाइम मिलता है। यहाँ पे इसमें बटन्स दिए गए हैं, जिससे आप प्ले पॉज इंक्रीज वॉल्यूम वगैरह कर सकते हैं, और उसी बटन को प्रेस किए रहेंगे तो गूगल असिस्टेंट और सीरी को भी आप ट्रिगर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है वो इसका प्राइस जो है वो रखा गया है सोनी की तरफ से, वो है 5,990 रुपीज़। और इसका फर्स्ट सेल जो स्टार्ट होने वाला है इंडिया सेल, वो है 16 जनवरी से 2022 से इसका जो सेल स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे कमी क्या है कि ये जो है वो एक 5,000 to 6,000 के अराउंड के प्राइस ब्रैकेट में जो ये आता है, ये ईयरबड जो सोनी का WF-C500 है। बट इसमें आपको जो है वो ड्राइवर का साइज़ काफ़ी छोटा दिया गया है, 5.8 mm का आपको जो है इसमें ड्राइवर मिलता है। और इसमें आपको जो है वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं दिया गया है, ट्रांसपेरेंसी मोड, वेयर डिटेक्शन, ऐसे बहुत सारे जो है आपको चीज़ नहीं मिलते हैं। जैसे कि इसमें आप गेमिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लो लेटेंसी वगैरह का जो है आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ आपको जो है वो इससे कम प्राइस में बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये 6,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आपको यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बस एक सोनी का ब्रांड वैल्यू और थोड़ा बहुत जो है आपको इसमें इन्हेंसमेंट और कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी इसमें आपको कोई भी ऐसा खास जो चीज़ ऐसा नहीं लगाया गया है, जिससे एक जो वो काफी ऑडियंस को जो वो कंज्यूम कर पाए और इसको उनको जो वो अट्रैक्ट कर पाए। सो गाइस, इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत सारे, जैसे कि नथिंग ईयर वन का हो गया, या फिर जाकर आप जो वो ओप्पो के बहुत सारे ईयरबड्स आते हैं उनके साथ जा सकते हैं, या रियलमी का बर्ड्स एयर प्रो, रियलमी का बर्ड्स एयर टू, इन सभी में आपको जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ये सब का सपोर्ट, गेम मोड वगैरह का सपोर्ट मिलता है, जो इसमें देखने को नहीं मिलता है। सो गाइज, ये जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा है मुझे सोनी की तरफ से। अगर इससे भी बेहतरीन और इससे अच्छा जो है वो प्राइस ब्रैकेट पर सोनी लाता, थोड़े एक्सपेंसिव भी रहते हैं, तो काफ़ी जो है वो मार्केट पकड़ता और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेल भी होता। सो गाइज, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।